हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सन रोबोटोनिक्स। आज हम बनाने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं हम, वो है हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमने यूज़ किया 909। फुल वेव रेक्टिफायर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सेंटर टेप और दूसरा होता है ब्रिज। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर टेप वाला बनाने वाले हैं। तो सेंटर टेप के लिए हमें यहाँ पे तीन वायर का ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में, और प्राइमरी तो हमारी नॉर्मल होती है। ठीक है, हम इसमें दो डायोड यूज करेंगे, एक रेजिस्टेंस, एक एलईडी, ये हमारा रिजल्ट के लिए है, टेस्टिंग के लिए, और एक इसमें मैं कैपेसिटर यूज करने वाला हूँ। जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो है हमारी 25 वोल्ट और 220 माइक्रोफेरेड। स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो मेरा ये ऑरेंज कलर की मैंने यह सीट ली है, इस पर मैं इसे ड्रॉ कर लूंगा जो इसका सर्किट डायग्राम है। उसके बाद इसमें सारे के सारे कंपोनेंट माउंट करेंगे। पहले मैं रफली पेंसिल से ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्केच यूज करने वाला हूँ। डायोड D1, D2। तो जो हमारा सर्किट है ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें होल करने वाला हूँ। जो इसमें मैं ट्रांसफार्मर यूज करूंगा उसको मैं डबल साइड टेप की हेल्प से इसमें पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो हमने यहाँ पे दो डायोड यूज किए हैं, इनको हमें यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में यूज करना है। जो हमारा एक कैपेसिटर है, इसकी जो हमारी बड़ी वाली लेग है ये हमारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसमें हमारा ऊपर वाली है, हमने यूज कर लिया है। और इसकी एक पहचान और है कि जो यहाँ पे वाइट कलर की स्ट्रिप होती है ये हमारी नेगेटिव होती है। जो एलईडी में भी बड़ी वाली लाइट जो होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। तो हमारा पॉजिटिव ऊपर, एक ड्रिल हमने यहाँ पे कम किया है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जो हमने रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो लगा देते हैं। तो हमारा ये जो है सर्किट में हमने सारे के सारे कंपोनेंट इसमें इंसर्ट कर दिए हैं। अब मैं इसे यहाँ से पीछे से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं यूज़ करूँगा इसमें। ये एक वायर मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह से छील लिया है, मैं उसको इसमें लगा देता हूँ। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हमारा एक बार चेक कर लेते हैं, सारे वायर हमारे प्रॉपरली लगे हुए हैं। अगर आप सोल्डरिंग कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा फाइनली इसका लुक है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं।
तो मैं इसको एसी में यहाँ पे प्लग करने वाला हूँ। आपको इसको प्लग करने के लिए एक पावर केबल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आपको शॉक ना लगे। मैं इसको डायरेक्टली टेस्ट करने वाला हूँ अभी आपको दिखाने के लिए इसका वर्किंग। ये मैंने एसी का बोर्ड लिया और ये मैंने यहाँ पे इसे प्लग कर दिया, तो ये हमारा वर्किंग है। जो हमारा ये फुल रेक्टिफायर है, इसे आप 50 रुपीज़ में इजीली घर पे बना सकते हो। इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है और ये ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फुल रेक्टिफायर बना सकते हो। थैंक यू गाइस।